In this video, we will see Fourier integral example. So basically question किस तरह से होता है Fourier integral का? तो ये question होता है, या तो पूछा होता है find the Fourier integral or it is asked as Fourier cosine and sine integral. By the way, this question was asked in 2010 in the GTU. Okay, so let us start. Now, it is told Fourier cosine and sine integral. So in cosine integral, you very well know that हमारा b of alpha यानी कि this part is zero. So हम a of alpha find करेंगे. So a of alpha equals to 2 by pi 0 to infinity and f of v cos alpha v dv. इससे पहले की वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कोसाइन एंड साइन इंटीग्रल. वी आर करंटली फाइंडिंग कोसाइन इंटीग्रल. तो कोसाइन इंटीग्रल में पी ऑफ अल्फा जीरो होता है. नाउ ए ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 2 बाय पाई 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ वी कॉस अल्फा वी डीवी. सो एफ ऑफ वी हम वैल्यू पुट अप करेंगे. सो वी विल गेट 2 बाय पाई 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ वी की जगह पे ई रेस टू माइनस के वी कॉस अल्फा वी डीवी. So, यहाँ पे x की जगह पे मैंने v put up किया. This is the basic part. Now, how we will solve? तो इसको हम integration by parts से solve नहीं कर पाएंगे. तो इसके लिए हम formula use करेंगे. e raised to ax upon a square plus b square a cos bx plus b sin bx. Okay? So, this is the formula for e raised to ax cos bx dx. Integration of e raised to ax cos bx की formula है e raised to ax a square plus b square. This is the formula और इसका हम use करके यहाँ पे values put up करेंगे. So now what is e raised to ax? It is the same part. तो हम यहाँ पे e raised to minus kx रखेंगे upon में a. तो यहाँ पे a है k, तो k square plus b की जगह पे है अल्फा. सो अल्फा स्क्वायर. ओके, नाउ a की जगह पे हम पुट अप करेंगे a की वैल्यू. सो इट इज माइनस k एंड cos bx. सो cos अल्फा x. नाउ वन थिंग आई वांट टू टेल, हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v कर रहे थे, फॉर हम यहां पे पुट अप करेंगे v एंड हियर आल्सो v. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज प्लस b. तो b हमारा क्या है? इट इज अल्फा sin अल्फा वी. ओके, सो नाउ इस पार्ट का हम लिमिट अप्लाई करेंगे इस पार्ट पे. सो हियर इट इज 2 बाय पाई एंड 0 टू इंफिनिटी. सो नाउ जब भी हम लिमिट अप्लाई करते हैं इंफिनिटी, तो इंफिनिटी में पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा. ओके, जैसे कि इंफिनिटी में यहां पे पुट अप करूंगा वी की जगह पे, तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा एंड ऑल पार्ट बिकम्स जीरो. तो फर्स्ट पार्ट हमें जीरो मिलेगा. हियर आई विल राइट, लेट मी राइट हियर 2 बाय पाई एंड फर्स्ट पार्ट विल बी जीरो. ओके, नेक्स्ट पार्ट विल बी माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अब जीरो पुट अप करना है, तो यहां पे मैं जीरो पुट अप करता हूं, लाइक यहां पे v की जगह पे मैं जीरो पुट अप करूंगा. सो आई विल गेट द आंसर e raise to minus k upon k square plus alpha square. ओके, और इसके अंदर मैं यहां पे जीरो पुट अप करूंगा, तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा और यहां पे जीरो, तो ये वन होगा. तो हमारे पास रहेगा माइनस के. ओके, सो दिस माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस. आई विल गिव प्लस. ओके, आई फॉरगॉट वन थिंग, यहां पे मैं जीरो पुट अप करूंगा तो ये e raise to zero हो जाएगा. सो वी विल नॉट गेट e raise to minus k, वी विल गेट हियर वन. सो फाइनल आंसर मुझे क्या मिल रहा है? इट इज लाइक 2k by pi k square plus alpha square. ओके, तो हमें क्या मिल रहा है? a of alpha इट इज 2k by pi k square plus alpha square. तो इसको हम फर्दर कैलकुलेट करते हैं. दिस इज द वैल्यू ऑफ a ऑफ अल्फा. अब हम इसको पुट अप करेंगे कोसाइन इंटीग्रल में. सो लेट अस सी. सो नाउ
ए ऑफ अल्फा हमें मिला 2k बाय पाई के स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, सो हम इसको पुट अप करेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी ए ऑफ अल्फा कॉस अल्फा एक्स डीएक्स। ओके यू वेरी वेल नो दिस फॉर्मूला। अब इस वैल्यू में पुट अप करते हैं हम, ए ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या है, इट इज 2k बाय पाई, सो यहां पे कांस्टेंट पार्ट में यहां पे लिख दूंगा 2k बाय पाई एंड अंदर होगा cos alpha x by k square plus alpha square dx. Okay, sorry, it is not dx, it is d alpha. So, and one more thing, ye f of x equals to, so f of x hamara kya hai, it is e raised to minus kx. So, we will put up the value, like here we will put up e raised to minus kx. Now, ये जो constant part है, इसको मैं ये side shift करता हूँ, then I will get 0 to infinity cos alpha x by k square plus alpha square d alpha equals to, when I will shift, it will be pi e raised to minus kx by 2k. Okay? So, this is known as the Fourier cosine इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि फोरियर कोसाइन को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, सो दिस इज द वे वी हैव टू रिप्रेजेंट द फोरियर कोसाइन इंटीग्रल। लेट मी चेक द आंसर हियर, ओके इट इज राइट, सो दिस इज द वे वी हैव डन। नाउ वी विल फाइंड साइन इंटीग्रल बाय द सेम मेथड एंड लेट अस सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम एंड व्हाट दे आर कॉल्ड फाइनली। सो फॉर साइन इंटीग्रल वी विल पुट a of alpha equals to 0, okay? Now, b of alpha equals to 2 by pi 0 to infinity f of v sine alpha v dv, okay? Now, f of v की जगह पे हम put up करेंगे 2 by pi 0 to infinity and e raised to minus kv sine alpha v dv, और इसको भी हम सॉल्व करेंगे विद द फॉर्मूला e raised to ax upon a square plus b square a sin bx minus b cos bx. Okay, so this is the formula by which we will solve this. Now let us implement this formula here. We will get 2 by pi in the bracket e raised to ax, so I will put like same way e raised to minus kv upon k square plus alpha square, ये part पूरा same रहेगा और एक ही जगह पे मैं put up करूंगा एक ही value, it is minus k and sin bx, so sin alpha x minus b cos bx, so it is alpha cos alpha x. Okay, same way we have to not implement here x, so this is the this type of mistakes basically students are doing in the exam, so you must not do this type of mistakes. Now let us put infinity hum put up karte hai to hamara first answer aata hai 0, so it is 0 and 2 by 5 here. अब हम 0 put करेंगे, तो 0 put करने पे ये पूरा part 1 हो जाएगा, I will put here 1 and k square plus alpha square. Now sin वाला part 0 हो जाएगा, be very well no, यहाँ पे हम 0 put up करेंगे and इस part में 1 हो जाएगा, so here we will get finally minus alpha. So this minus minus gets into plus, then final answer हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, like let me write here 2 alpha upon pi k square plus alpha square. Okay, we will get answer like this, 2 alpha by pi k square plus alpha square. So this is the value of b of alpha, और b of alpha को हम put up करेंगे sine integral में, let us see how we can do.
So now formula for sine integral, we very well know that f of x equals to 0 to infinity, it is b alpha sine alpha x d alpha. Okay, so now b alpha ki hum value put up karenge, so we will get like this, like 2 by pi, because 2 by pi constant hai, to isko hum bahar rakh denge, and 0 to infinity alpha sine alpha x by k square plus alpha square and d alpha. This is what we will get. Now f of x ki jagah pe main put up karunga e raised to minus kx. Okay, now jaisa ki maine cosine integral mein kiya tha, same method mein apply karunga. So this 2 by pi we will transfer here. So finally we will get 0 to infinity alpha sine alpha x by k square plus alpha square equals to pi by 2 e raised to minus kx. This is actually the method of representing sine integral, and same way we have done cosine integral, you very well know. So ye kuch examples the Fourier series ke aur Fourier integrals ke, and this till now we have completed Fourier series completely and Fourier integral. And agar aap appear kar rahe ho GTU exams ke liye, so my recommendation is jitne bhi videos maine upload kiye, aap dhyan se wo concept ko understand kariye aur उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा एग्जांपल्स दिए हुए उसकी प्रैक्टिस कीजिए. एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग इन दिस एग्जाम. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब वेल एकेडमी.